आज 24 तारीख है शायद, आज 24 तारीख है, बैठो चुप से। 24 तारीख में अभी यहाँ रास्ते में सदौली में मैंने थोड़ा दे दिया, रास्ते में मैं भवनेश्वर जा रहा हूँ, सामने आगे भवनेश्वर आ गए हैं, तो यहाँ पर रास्ते में जो मिले तो हमने कहा सड़क पर मत दो। अब कोई गाड़ी आ रही जा रही है, बच्चे बिन रहे, कोई गाड़ी में चपेट में ना जाए, तो पोस्ट मास्टर साहब को वहाँ भेज दिया कि जाओ वहाँ जा कर के अब पेड़ के नीचे दे आओ। वही हमने कहा जरा जरा साहब हर बात को देखो, नमूना देखो, समझो। आज नीरज शर्मा वहाँ के दिल्ली के नीरज शर्मा, उन्होंने रात में फ़ोन किया, हमने कहा चलिए हम आपके नाम से भी कर लिया करेंगे। और बीजेपी वालों से हमारा एक निवेदन है, हम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगे हैं, कोई हमें न सहायता है न कोई मदद है, कोई मदद सहायता न करें लेकिन हमसे जुड़ें, वरना हम उनके लिए गाली भी सुन रहे हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं, और इसे हमें कोई गर्ज नहीं ना हमें कोई जगबत है, समझ गए। कोई हो तो वो लोग कम से कम हमसे जुड़ें, संपर्क करें। राकेश है ना, हाँ घाट से घाट डालो, नहीं तो बहुत से तमाम पार्टी वाले जो हैं हमें ऑफर दे रहे हैं, क्या बाबा आप तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हो, आप तो ये करते हैं। हमने कहा देखिए हम धर्म के नाम पर करते हैं लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। देखा यही तो मुसीबत है बच्चे के लिए, ये गाड़ी आ जा रही है यह बड़ी मुसीबत। बस करो राकेश, चले आओ अब, आओ किनारे किनारे डालो, ये छोटे बच्चे जो हैं इस सड़क पर ही दिन तक आ रहे हैं, यह बड़ी मुसीबत, कोई चीज है नहीं तो गाड़ियों का आना जाना चालू है। चलो बस किनारे किनारे डाल दिया, ठीक चलो। ये सुनो राकेश, गेहूं तो ले लो आगे गेहूं, क्योंकि वहां बंदर आ जाएंगे तो हड़बड़ में दिक्कत होगी। नहीं रुक जाओ दे रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट।